पुश एंड पुल सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट तो हमें किसी हद तक क्लियर हो गया। अब जरा याद करें, हमने सप्लाई चेन से पहले हमने एक वैल्यू चेन डिस्कस की थी कहीं, और हमने कहा था दैट यूजुअली इट इज अप्लाइड ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स, और हमने कहा था कि जनाब ऑर्गेनाइजेशंस अपने इनपुट को अपने वैल्यूएबल आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए कई स्टेजेस से गुजरती है, और पोर्टर ने उसका एक वैल्यू चेन डिफाइन किया था, और इस वक्त आपको वो स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। प्रॉब्लम ये है कि दिस ट्रेडिशनल वैल्यू चेन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल बी यूजिंग पुश सप्लाई चेन। आज के दौर में अगर हमने पुल सप्लाई चेन यूज करना शुरू कर दिया तो वो वैल्यू चेन जो हमने पहले डिस्कस किया था, इट वॉन्ट वर्क, इट इज नॉट एप्लीकेबल एनीमोर, उसमें तब्दीली हो गई। सो डेज ने, देयर इज दिस पर्सन डेज, उसने आइडेंटिफाई किया कि व्हेन अ कंपनी और व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स टू गो फॉर द पुल सप्लाई चेन मॉडल, तो फिर वहां पे उसका वैल्यू चेन रिविजिट होगा, वैल्यू चेन उसका चेंज हो जाएगा। अब इस वैल्यू चेन में तब्दीली क्या आएगी, देखिए इस वैल्यू चेन में पहला स्टेप जो है वो इनबाउंड लॉजिस्टिक नहीं है, इसमें पहला स्टेप है मार्केट रिसर्च। पॉइंट क्या है, दैट विद द हेल्प ऑफ मार्केट रिसर्च वी विल आइडेंटिफाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द फीचर्स दैट कस्टमर्स वुड लाइक टू सी इन आवर प्रोडक्ट, और फिर हम उसकी बेसिस पे न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे। सो अब इस रिवाइज्ड वैल्यू चेन में पहला स्टेप हो गया मार्केट रिसर्च, दूसरा स्टेप हो गया न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब यह है कि हम नई प्रोडक्ट्स ऐसी बनाएं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स और कस्टमर की नीड्स को ज्यादा अच्छी तरह फुलफिल कर सकती हूं। जब हम यहां तक पहुंच गए तो फिर हमने प्रोडक्ट बना ली ऐसी, तो फिर हम इसको मार्केट करेंगे। प्लीज रिमेंबर, हम सेल्स नहीं कर रहे, हम मार्केट कर रहे हैं। मार्केट से मुराद क्या है, वी विल इन्फॉर्म द कस्टमर्स, विल इन्फॉर्म द पोटेंशियल कस्टमर्स दैट वी हैव दिस प्रोडक्ट अवेलेबल विद अस, वी हैव दिस दीज फीचर्स अवेलेबल विद अस, आपको इसमें से जो जो चाहिए वो आप आइडेंटिफाई करें और हम वो बना के आपको देंगे। जब आप मार्केटिंग प्रोसेस से गुजर जाएंगे और कस्टमर्स को आइडिया हो जाएगा दैट यू हैव समथिंग ऑफ दैट काइंड अवेलेबल, तो फिर आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू होंगे। जब ऑर्डर्स आएंगे तो फिर आप अगला काम क्या करेंगे कि आप रॉ मटेरियल्स परचेस करेंगे। रॉ मटेरियल्स आप प्लीज रिमेंबर कब परचेस कर रहे हैं, जब आपने मार्केट कर दी प्रोडक्ट और मार्केट करने के बाद उसकी डिमांड आनी शुरू हुई, आपने रॉ मटेरियल्स परचेस किए, रॉ मटेरियल्स परचेस करने के बाद आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस की और फाइनली आपने उसको कस्टमर तक डिलीवर कर दिया, जो एक्चुअल सेल्स का प्रोसेस है कि आपने वहां पे उससे पैसे लिए और आपकी ट्रांजैक्शन हो गई। ये रिवाइज्ड वैल्यू चेन है, यानी इसमें जो स्टेप्स हैं वो जो हमने पहले डिस्कस किए थे कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और उसके बाद उसका प्रोडक्शन प्रोसेस और फिर उसके आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे हम जो वैल्यू एडिशन है वो कई कुछ और चीज़ों का है। यहाँ पे वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है मार्केट रिसर्च को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, और उसी हिसाब से जो आपका वैल्यू चेन है वो रिवाइज हो गया है। सो इफ यू आर आस्क्ड के व्हाट इज रिवाइज्ड वैल्यू चेन, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर।